जैसा कि जानते हैं दोस्तों, IBPS की तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आ गई है। इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी, चलिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर ले चलता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर IBPS RRB 9 ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। उसके नीचे भी देखिए Scale 1, Scale 2, Scale 3। चलिए मैं पहले ऑफिस असिस्टेंट खोल के दिखाता हूँ आपको। आप ये चाहें तो ये फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसका फ़ी है जनरल के लिए 850 रुपये। 1 तारीख यानी कि आज से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है। 21 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। एग्ज़ाम इसका देखिए, एग्ज़ाम डेट प्रिलिमिनरी सितंबर अक्टूबर में होगा। हाँ दोस्तों, मिनिमम एज इसका 18 साल है और मैक्सिमम 28 ईयर्स। जनरल के लिए 1956 सीट है, OBC के लिए 1095 सीट है, EWS के लिए 436 सीट है, SC के लिए 811, ST के लिए 316। इसका एलिजिबिलिटी देख लीजिए, बैचलर डिग्री नहीं, किसी भी संकाय से अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज होना चाहिए। ये टोटल दोस्तों ये इसका देख लीजिए डिटेल्स, बैंक का नाम सब दिया, सब मतलब जितना भी ग्रामीण बैंक है लगभग सब बैंक में है। बड़ौदा UP बैंक, आर्यावर्त बैंक, प्रथमा UP ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मृदुरा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका नोटिफिकेशन मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों दोस्तों ये देख रहे हैं आप अपने मोबाइल पर स्क्रीन पर, ये नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का खुल गया है। ये देखिए कौन कौन बैंक इसमें पार्टिसिपेट किया, सबका नाम दिया हुआ है। झारखंड मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट से भी फॉर्म आप भर सकते हैं, उस स्टेट के बैंक में आपको जॉब मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक में एक क्राइटेरिया हो गया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। हाँ दोस्तों, इसमें देखिए कैटेगरी वाइज कितना छूट दिया हुआ, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल। और मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मल्टीपर्पस असिस्टेंट, बैचलर स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से आप किए तो इस फॉर्म को अप्लाई करने कर सकते हैं। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दूसरा असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री यानी डिसिप्लिन, वो मैं अगला खोल के दिखा दूँगा। दोस्तों मैं नीचे ले चलता हूँ दोस्तों आपको। ऑनलाइन एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है देखिए दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए PT में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन है। 40 नंबर 40 क्वेश्चन 40 नंबर, टोटल 80 नंबर का 80 क्वेश्चन होगा। इसके लिए आपको समय 45 मिनट मिलेगा। ऑफिसर Scale 1 में भी वही है, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन, पॉइंट के लिए 40 क्वेश्चन 40 नंबर, दोनों चीज़ के लिए 40 नंबर मिलेगा, 45 मिनट का समय मिलेगा आपको। हाँ दोस्तों, मेन एग्जामिनेशन का देख लीजिए सिलेबस क्या है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है 50 नंबर के लिए कंप्यूटर नॉलेज, 40 क्वेश्चन है 20 नंबर के लिए जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए हिंदी लैंग्वेज है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। अब ये देख लीजिए दोस्तों, लिस्ट ऑफ वर्सन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, जिस जिस स्टेट से उस सबका स्टेट का लैंग्वेज दिया हुआ, किस लैंग्वेज में उस राज्य में एग्जाम होगा। झारखंड का देखिए इंग्लिश और हिंदी है, आंध्र प्रदेश का हिंदी इंग्लिश तेलुगू है, अरुणाचल प्रदेश का इंग्लिश एंड हिंदी, असम का हिंदी इंग्लिश, मतलब हिंदी इंग्लिश कॉमन है, हिंदी इंग्लिश आपको लगभग हर एक स्टेट में मिलेगा। ये दोस्तों देख लीजिए इसका जनरल बैंकिंग ऑफिसर का भी मेंस का सिलेबस देख लीजिए, कंप्यूटर नॉलेज है 40 क्वेश्चन, रीजनिंग है 40 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया 40 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, पॉइंट हो गया 40 क्वेश्चन। बस यही दोस्तों, इस फॉर्म को जितना जल्दी से जल्दी आप भर दीजिएगा। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों,
हाँ दोस्तों देख लिए, आइटम्स परमिटेड इन टू द वेन्यू ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स। कौन कौन सा सामान आपको लेके जाना है, मास्क आपको पहन के जाना है दोस्तों, कंपलसरी पढ़िए आप, ग्लोव्स लगाना है आपको, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल मतलब और पारदर्शी दिखने वाला जो बोतल होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब बाहर से दिखाई नहीं दे रहा अंदर क्या रखे हुए हैं आप। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml का छोटा बॉटल आता है वो एक रखा कीजिएगा आप, और एक सिंपल पेन, एक सिंपल पेन, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर रखना है आपको, एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल ले जाना है, फोटो कॉपी ऑफ आईडी कार्ड एक्सेट्रा, ओरिजिनल आईडी कार्ड भी आपको ले जाना है दोस्तों, नहीं तो एग्जाम में आपको देने नहीं दिया जाएगा। रफ सीट आपको मिलेगा, रफ सीट इक्विप्ड एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज्ड बाय कैंडिडेट, नो एडिशनल सीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जाम। अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसका वेबसाइट पर डायरेक्ट आपको जाना है, ये करना है आपको, पढ़ लीजिए, सिग्नेचर कैपिटल लेटर नॉट एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर सिग्नेचर एक्सेप्टेड नहीं लिया जाएगा। फीस का जनरल के लिए 850 rupees, SC ST के लिए 175 rupees रखा गया है। सिग्नेचर फोटोग्राफ लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये लिख करके दोस्तों आपको सबमिट करना हो तभी जाके आपका फॉर्म। नीचे जा रहा हूँ दोस्तों और देखता हूँ, और कुछ तो कुछ था नहीं इसमें, बस दोस्तों इतना ही है। अब इस फॉर्म को भरिए जितना जल्दी हो, इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है।